तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क CBSE UP महाराष्ट्र राजस्थान MP या किसी अन्य बोर्ड का हो या फिर IIT JEE नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर पढ़िए अब कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे JB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों मैं सर्च कर रहा था ऐसे ही कि क्लास 10th और 12th की क्या एग्ज़ाम अपडेट्स आई हैं, तो यार कुछ ऐसे चौंकाने वाले टॉपिक्स हमें मिले ना जिससे मुझे लगा कि बच्चे वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और जब मैंने अपने वीडियोज़ के कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ ऐसी बातें थीं जिस पर बात करना, जिस पर क्लियर करना सब कुछ बहुत ज़रूरी था। जैसे पहली बात थी कि प्राइवेट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट इन सब बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। दूसरी बात थी कि सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा, अब कौन सा एग्ज़ाम होगा मैं अभी आगे बताऊँगा, सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। तीसरी बात थी रिज़ल्ट डेट को लेकर के, तो अब इसमें से हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि इनमें से कौन सी बात अफवाह है और कौन सी बात में सच्चाई है। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आई थिंक कि अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आगे की पढ़ाई पर या आगे के जो भी आपका टारगेट है उस पर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। बच्चों मैं हूं मानात पांडे, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें मिले हैं हमारे चैनल पर वो ये मिले हैं कि सर प्राइवेट कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। और ये जो कंप्लेंट्स आ रही हैं क्लास 10th के भी बच्चे कर रहे हैं और क्लास 12th के भी बच्चे कर रहे हैं, मतलब क्लास 12th वालों का तो भी हाल ही में रद्द हुआ है। तो ये बच्चे चाहे 10th के हों या 12th के हों, दोनों बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं। तो बच्चों चाहे प्राइवेट हो, कंपार्टमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो या फिर आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो या फिर पत्राचार वाले बच्चे हों, एग्ज़ाम सबका कैंसिल हो गया है, चाहे आप क्लास 10th के हों या फिर क्लास 12th के हों। और ये कौन से लोग हैं ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं आप हमको ज़रा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। एग्ज़ाम सब कैंसिल होता है तो सभी लोगों के लिए कैंसिल होता है, ऐसा थोड़े कि आप बच्चे नहीं हैं आपके लिए कोरोना का खतरा नहीं है। मतलब रेगुलर वाले बच्चे जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, आपको स्कूल में बुला करके एग्ज़ाम करवा लेंगे तो आपके लिए कोरोना नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा और इन बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं इन बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इनके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही नहीं बनेगी, बननी होती तो क्लास 10th की आ जाती। तो बच्चों क्लास 10th की बन रही है और बन करके आ भी जाएगी, लेकिन किसी को कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। आप जो भी समझ लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा इन सबके बारे में किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या हमें ज़्यादा फ़ायदा तो होना नहीं है, तो इनके बारे में बोल दो कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बच्चे इंपॉर्टेंट हैं और किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होना है। अब जान लो जो एग्ज़ाम होगा वो ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा, मतलब जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के बाद में CBSE ने कहा है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से असंतुष्ट होंगे, जिनको लगता है कि हमें नंबर और चाहिए था और हमें उतना नंबर नहीं मिला, उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने का मौका सबको मिलेगा। जो जिस सब्जेक्ट में बैठना चाहेगा उस सब्जेक्ट में वो बैठेगा और वो एग्ज़ाम रेगुलर के लिए भी होगा, प्राइवेट के लिए भी होगा, कंपार्टमेंट के लिए भी होगा। तो ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। ये जो अफवाहें उड़ी हैं ये 10th के लिए भी थी, 12th के लिए भी थी। तो बच्चों आप चाहे जिस भी क्लास में हो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं कि सितंबर वाला एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा। देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक तो पहली बात कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, एक तो एक सीधी सीधी बात गलत है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई नहीं होगा, CBSE कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं करवाएगी। दूसरी बात कह रहे हैं कि सितंबर में होगा, ऐसी कोई डेट अभी आई नहीं है। ये एग्ज़ाम्स आपके सितंबर में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं और अक्टूबर में भी हो सकते हैं। वैसे अक्टूबर में होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, अगस्त में संभावना बन रही है। अगर आपका रिज़ल्ट जुलाई में आ गया तो अगस्त में ये कर सकते हैं एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों वो ऑफलाइन होंगे, सीधी सीधी बात, मतलब स्कूल में जा करके एग्ज़ाम देना होगा
और वो एग्ज़ाम 90 मिनट का नहीं होगा। सीधी सीधी बात जान लो, जो पिछले साल ऑप्शनल एग्ज़ाम हुआ था, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के नाम से नोटिफिकेशन उसका आता है, और वो ऑप्शनल एग्ज़ाम फुल लेंथ का था, मतलब पूरा पेपर था, और जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है वैसे ही पेपर आया था, उतने ही स्टैंडर्ड का आया था, उतना ही टफ आया था, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो 90 मिनट का नहीं होगा, ये चाहे सितंबर में हो, अगस्त में, अक्टूबर में हो, जब भी हो ऑप्शनल एग्ज़ाम होना है, और वो सभी बच्चों के लिए होना है जो भी अपने नंबर से असंतुष्ट होंगे, जिनको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे, हमें और अच्छा नंबर मिलना चाहिए था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में और नहीं मिला, उन सभी लोगों को मौका मिलेगा जिस भी सब्जेक्ट में देना चाहेंगे। लेकिन 90 मिनट का नहीं होगा, वो 3 घंटे 2.5 घंटे जितना भी आपका एग्ज़ाम होता था उतने टाइम का पेपर होगा, और आपको ये 90 मिनट वाला या जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है ये सब कुछ नहीं आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा पैटर्न होगा उसी पे आपको परीक्षा देनी होगी। तो अगर आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वैसे तैयारी करिए नॉर्मल, इस बात पे आप भरोसा मत करिएगा। एक और अफवाहें उड़ रही हैं कि जो सितंबर वाला एग्ज़ाम होगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट का होगा, मतलब मेन सब्जेक्ट का होगा, जो 19-20 मेन सब्जेक्ट की बात चल रही थी सिर्फ उन्हीं का होगा। तो ये भी एकदम गलत है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उन विषयों में असंतुष्ट होंगे जो इसमें शामिल ही नहीं है, तो उनको कैसे मौका मिलेगा। तो मेजर सब्जेक्ट वाली बात तब होती है अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता इस बीच में, कंडक्ट करवा लिया जाता तो मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता। चूँकि CBSE कह चुका है कि जो हम ये वाला ऑप्शनल वाला एग्ज़ाम करवाएंगे वो तब करवाएंगे जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होंगी, सही होंगी। तो जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी सब्जेक्ट के होंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं CBSE में क्लास 10th और क्लास 12th में, उन सब के एग्ज़ाम्स होंगे, खाली मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है बच्चों। जो तीसरी बात आ रही है वो रिज़ल्ट डेट वाली है। पहली बात तो क्लास 10th के रिज़ल्ट की है कि क्लास 10th का रिज़ल्ट कब आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जून लास्ट में आ जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है बच्चों। 30 जून तक उसने डेटा अपलोड करने को कहा है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को, 30 जून तक तो ये स्कूल वाले डेटा भेजेंगे। एटलीस्ट 30 जून के बाद में 15 दिन का टाइम लगेगा, 15 डेज का टाइम लगेगा उसको रिज़ल्ट को प्रोसेस करने में। थोड़े मोड़े बच्चे नहीं हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, तो रीजनल ऑफिस अपना 15 दिन में रिज़ल्ट तैयार करेंगी, उसके बाद में फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो 15 जुलाई से पहले तो रिज़ल्ट आने की कोई संभावना नहीं है क्लास 10th की। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th का जो आपका पूरा प्रोसेस है, अभी जब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा उस टाइम पर ये बात पता चलेगा कि कितने दिन में स्कूल वालों को रिज़ल्ट बना करके देना है। जो भी लास्ट डेट होगा स्कूल वालों के लिए उसमें प्लस 15 डेज जोड़ लीजिए, और उतने दिन कम से कम लगेंगे आपके रिज़ल्ट आने में। तो बच्चों फ़िलहाल अभी जो परिस्थितियां लग रही हैं उस हिसाब से जुलाई लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आएगा। अभी देखो अभी कम से कम 10 दिन लगेंगे, 10 डेज के आसपास लगेंगे आपके मार्किंग मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आने में, डिसाइड करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर सबको भेजना। 10 दिन से कम लगेगा 10 दिन, 14 दिन का टाइम भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो 10 दिन में आएगा। तो 15 जून तो ऐसे ही हो जाएगा, और अगर एक महीने का टाइम तो कम से कम स्कूल वालों को इनको देना ही होगा, तो 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक तो ये स्कूल वाले रिजल्ट अपलोड करेंगे, मतलब मार्क्स भेजेंगे, और 15 जुलाई के बाद में रिजल्ट प्रोसेसिंग में 15 दिन लग जाएगा। तो लास्ट जुलाई में आप अपना उम्मीद कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को। अब देखते हैं कि अपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेता है, और वो जो डिसीजन लेगा वो बाध्यकारी होगा, सभी लोगों को उसको मानना होगा बच्चों। उसी में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं, और जो प्राइवेट बच्चे हैं, इनका रिज़ल्ट इन बच्चों के साथ में नहीं आएगा। मतलब जो रेगुलर वाले बच्चे हैं सिर्फ इन्हीं का रिज़ल्ट आएगा, जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हैं इनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, एडिशनल सब्जेक्ट या पत्राचार वाले। तो ये सारी बातें अफवाह हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सभी बच्चों का रिज़ल्ट एक साथ आएगा। हाँ मैं एक बात बताऊँ, CBSE ने पहले भी कहा था कि हो सकता है रिज़ल्ट हम एक शिफ्ट में ना निकाल करके अलग अलग शिफ्ट में निकालें, मतलब एक साथ में ना निकाल करके अलग अलग टाइम पे निकालें। कुछ स्कूलों का एक साथ निकाल दिया, फिर कुछ का निकाल दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल वालों को टाइम दिया गया है, अब जो स्कूल वाले पहले बना के भेज देंगे उनका पहले निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन जब आएगा तो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट रेगुलर सबका रिज़ल्ट एक साथ में आएगा, मतलब उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा और ना ही नंबर देने में भेदभाव होगा इन बच्चों को।
तो बच्चों ऐसी अफवाहें जो कुछ भी हैं आपको सिर्फ परेशान करने के लिए हैं, चाहे सितंबर वाले एग्ज़ाम की हो, 90 मिनट की हो, मेजर सब्जेक्ट वालों की हो, या कंपार्टमेंट प्राइवेट इम्प्रूवमेंट इन सब का रिज़ल्ट नहीं आएगा, या इनका एग्ज़ाम होगा, इनका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सारी बातें अफवाह हैं। जो भी सच्चाई होगी हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे, आप परेशान मत हो, आपको हमसे जुड़े रहना है। और अगर जुड़े रहोगे तो बच्चों ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिना किसी मिर्च मसाला के। बाकी आप तो खुद इस बात में सक्षम हो कि आपको लग ही गया होगा कि कहां से कैसी खबरें आपको मिल रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट आए आपका, बहुत अच्छे नंबर आए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। बच्चों ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।